कहते एक बारी जे महबूब बुलावे ते असा सिर नू पैर बना ये ते सर मंगे ते सर दे दईए ते असा कदे भी देर नला ये ते कदे भी यार दा गिला ना करिए चाहे सैक देगी मर जा ये ते आजम याया हरी ना लाए ते जे लाए ते तोड़ निभा। अल्लाह ताला फरमा रहा है कुल इन कुंतुम तुहिबून अल्लाह ए हबीब इन्हां नूं कह देवो अगर तुसी अल्लाह दे नाल मुहब्बत दा दावा करदे हो अल्लाह दे नाल अकीदत और मुहब्बत दा अगर तुहाडा ए दावा है ते फिर करन की तुहाडी गुलामी इख्तियार कर लैन तुहाडी नौकरी इख्तियार कर लैन जदों तुहाडे गुलाम बन जाणगे ते फिर अल्लाह दे वी ए मुहिब बन जाणगे। लफ्ज़े मुहब्बत अरबी लुगत अंदर इहदे कई माने होए ने उन्हां मानियां विच्चों एक माना इहदा ए वे इसारुल महबूबी अपने महबूब वास्ते सब कुछ कुर्बान कर दे अपने महबूब वास्ते सब कुछ कुर्बान कर देना। इमाम गजाली ने बड़ी प्यारी गल लिखी कि मैं सादत अंदर आ फरमाते ने कि जुलैखा ते कोल जरा खजाना सी ना वो 70 ऊंटा ते लद के खड़े सन इतना ज्यादा खजाना उहदे कोल सी जिस वक्त किसी ने आके उन्हें कहना ना अज तेरे यूसुफ नूं मैं वेखिया सी उन्हां दा चेहरा बड़ा पै चमकदा सी ते उन्हें की करना हार पकड़ के उन्हें दे छड़ना लिखिया कुतुब के अंदर के सारी दी सारी दौलत उसने नामे यूसुफ को कुर्बान कर छड़े। ते मुहब्बत एक माना है सारुल महबूबी महबूब उत्ते सब कुछ कुर्बान कर देना। शाह मंसूर जिस वक्त कैद हुए ते कैद होने तो बाद जिस वक्त हजरत जुनैद बगदादी मिलन वास्ते गए ना ते जना सलाखा दे अंदर सी आपने वेख के फरमाया हजरत ए ते दसो इश्क की है दसो इश्क की है ते आप फरमाते ने जनिया कल नहीं जवाब दांगा। अगले दिहाड़े जिस वक्त शाह मंसूर नु सूली ते लटकान लगे ना ते इमाम गजाली ने लिखिया ते आप मुस्कुरा कहंदे ने ओ बेलिया इश्क दी इब्तदा जलना है और इश्क दी इंतहा यार दे नाम तो कुर्बान इश्क दी इंतहा यार दे नाम तो कुर्बान हो जाना है। इस वास्ते मोहब्बत ना जाके एक बरा सुभान अल्लाह कहो हजारे मैं बाजौक उस्तादां दा शगिरदां बाजौक दोस्तां दा मैं यारां बाजौक भाइयां दा भाइयां बाजौक माँ बाप दा बेटा वां और जिस महफल से मैं पहली जमा दफा जावा उन्होंने मैं अपना जौक इस वास्ते दसना मैं चाहना कि जेडे मेरे नाल मेरी महफल से होवन वो भी बाजौक होन और साड़ी महफल जी सुनिया नहीं होंगी है असी को बेजौके नहीं साड़िया महफल होंदिया जौक वाली ने गल चंगी लगे तो सुभान अल्लाह ना चंगी लगे तो इन्ना लिल्लाह अस्तगफुर अल्लाह असी जिथे भी बहीए ये पता चलता है सरकार दे नौकर बैठे सरकार दे गुलाम बैठे ने एक वास्ते मुहब्बत ने कह दो हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह अरे विसाल नारे हैदरी रब्बे कायनात इरशाद फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह। रब्बे कायनात इरशाद फरमाया प्यारे महबूब ए प्यारे महबूब ऐलान कर दे रब्बे जुल जलाल दी मुहब्बत दे दावे करने वाले हो अगर तुसी कहंदे हो असी अल्लाह दे आशिक अल्लाह दे प्यारे आओ अल्लाह दे दीवाने आओ ते अल्लाह दा आशिक बनना एडा सौखा नहीं ओदा आसान इलाज मैं तुहानू दस देवा तुसी मेरे गुलाम बन जाओ मेरे नौकर बन जाओ जदों मेरे गुलाम बन जाओगे तुहानू आशिक बनने की जरूरत नहीं पवेगी रब आप तुहाडा मुहिब बन जाएगा
और दूसरे मकाम पे अल्लाह दा कुरान बोले आओ दसवां पारा सूरह तौबा दे अंदर अल्लाह फरमादा कुल इन कैना अबाउकुम व अबनाउकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमालुन क़तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादगा व मसाकिन तरदौनगा أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الظالمين रब्बे जुल जलाल ने इरशाद फरमाया सोने इन्हां नूं कह दे अगर तुहाडे बाप तुहाडे बेटे ते तुहाडे भाई ते तुहाडियां बीवियां ते तुहाडे रिश्तेदार वाशीरत कुं तुहाडे अज़ीज़ो अकारिब और तुहाडा माल जिहदे नुकसान दा हर वक्त तुहाडे दिल अंदर खतरा लै करांदा सोने इन्हां नूं कह दे अगर सारियां चीज़ां तुहानूं अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे रस्ते ते लड़न तो ज्यादा प्यार ने ज्यादा महबूब ने ज्यादा अच्छिया लगती है फिर कह दे फिर इंतजार कर अल्लाह का अज़ाब इन्नत नाजिल हो जाए अल्लाह का अज़ाब इन्नत नाजिल हो जाए। ओ मेरे मुसलमान भाइयों एक गौर करनी है अल्लाह ने ए नहीं फरमाया तू प्यार नहीं करदा मेरे नबी नाल फरमाया तू प्यार जरूर करना है लेकिन प्यार अपनी मां नाल ज्यादा है मेरे नबी नाल थोड़ा है मुहब्बत का दावा तू जरूर करना है ए मुहब्बत अपने बाप नाल ज्यादा है मेरे नबी नाल थोड़ी है मुहब्बत का दावा तू जरूर करना है ए मुहब्बत तेनू बेटे ते अपनियां बेटियां नाल अपने रिश्तेदारां नाल ज्यादा है मेरे नबी नाल थोड़ी है अपने कारोबार नाल ज्यादा है मेरे नबी नाल थोड़ी है। वो छे चीजां एक पासे अल्लाह ने बयान कीतियां ते एक पासे मुहब्बत रसूल का मयार बयान कीता। मेरे बेलिया अज हर बंदा कहंदा मैं सब तो वड्डा मुहब्बत वाला वा मेरे तो वड्डा आशिक कोई नहीं अल्लाह दे कुरान ने वंड करके दसी फरमाया करे सारियां चीजां एक पासे अल्लाह दा रसूल एक पासे होवे या अल्लाह करना की है फरमाया कायनात दी हर चीज दी मुहब्बत घटा ले मेरे नबी दा प्यार बढ़ा ले फिर तू मोमन कलवा दा हकदार बन जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा मेरे मुस्तफा करीम दे गुलामो मेरे आका दी मुहब्बत ईमान दी बुनियाद ईमान दी असल ईमान दी जड़ मैं छा के मुहक्कक दी रवायत जरूर सुनावांगा आपने लिखिया मेरे दोस्त मदारिज नबुव्वत दे अंदर एक मेरे आका दा गुलाम है नाम जिदा सोवान है हदीस मफहूमन पढ़ना पिया ए मेरे आका दा गुलाम दा हाल है वे सहाबी कहंदे ने ए गुलाम आका दी बारगाह ते आंदा आके बैठ जांदा है नजरा उठांदा है वो दुहा दे चेहरे ते जमांदा है ना कुछ खांदा है ना कुछ पींदा है हर वक्त आंसू बहांदा रहंदा है रोंदा रहंदा है। सहाबा ने सरकार दी बारगाह ते अर्ज कीती सोनिया आका ना कुछ खांदा है ना कुछ पींदा है हर वक्त रोंदा रहंदा है मेरे आका ने दीवाने नू कोल बुलाया बुला के फरमाया ओ मेरी बारगाह ते आन वाले आके बैठ जान वाले मेरे चेहरे तो नजरा ना घटान ओ मेरे चेहरे तो नजरा ना घटान वाले माँ बालका माँ बालका माँ बालका दस तेनू केड़ी परेशानी है क्यों रोंदा रहना है क्यों आंसू बहांदा रहना है हिजर तेरा जे पानी मंगे ते मैं खून ना दे गे एड़ा
ते जी कर दे ते नो कोल बिठा के ते मैं दर्द पुराने छे एड़ा ते मियां सफर मदने कच्चा रंग ललारी वाला ओ चढ़दा लेंदा रे दा पर इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद ए चढ़िया नितना ले सिहाबी रो के अर्ज करदा सोनिया आका ना किसी ने सताया आका ना किसी ने रुलाया बस एक ही गम ने है खाया मेरे आका ने फरमाया मेरे गुलाम दस क्यों परेशान है ते सिहाबी दा जुमला सुनिया जे सिहाबी अर्ज करदा सोनिया जो मैं सोचना वा आलमे तसव्वुरा ते जाक जो मैं ख्याल करना वा आका अगर ए सुबान जन्नत चला भी गया आका अनजन्नत दे अठ दर्जे रब ने बनाए ले सब तो आला दर्जे दे अंदर तुसा होना है आका तुसी दे जन्नतुल फिरदौस ते आला मकाम ते फैज होवोगे और मैं जन्नत निचले दर्जे ते रह गया ते आका जन्नत ते तुहाडी दीद ना होवेगी सोनिया सोबां दी ईद ना होवेगी ए आका मैनू जन्नत नहीं चाहिदी जिथे तेरी दीद ना होवे आका तुहाडी ज़ियारत ना होवे कटवाड़ी ज़ियारत ना होवे क्योंकि जन्नत में पहुंच कर भी मुझे करार नहीं ये कोई और जागे मक्का में यार। अजय सिहाबी अपना दुखड़ा सुना रहे ऐसे शनाद अंदर एक और सिहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी वो आए थे आके ना जारो कतार रोना शुरू कर दिता मेरे आका ने फरमाया की मसला है तो रो के अर्ज कर देने आका भूख लगे ते तुहाडे चेहरे दी ज़ियारत करिए तो भूख दूर हो जाती है आका प्यास लगे ते तुहाडे चेहरे दी ज़ियारत करिए ते प्यास भी दूर हो जाती है मेरे आका ने फरमाया मेरे गुलाम परेशानी का दी अर्ज कर देने सोनिया अगर सोचना कि जन्नत के अंदर अगर चले गए तो तुहाडा साथ ना मिलिया तुहाडी रिफाकत ना मिली तो साडा की बनेगा साडा की बनेगा ते ताई ते मेरे दोस्तों पीरे बाहु कह देने के ए तन मेरा ए चश्मे ते मैं मुर्शिद वेखे नर जालू दे विच लखे लखे चश्मा ते मैं एक खोला एक एक जा इतना डिठया ए मैनु सबे रिनायावे ते मैं होर की दे वाले ए बजा मुर्शिदा दीदार गए पागू ते मैनु लख करोड़ा ए हजा हुई नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी जश्न ईद मिलादुन नबी। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुसलमान भाइयों जिस वक्त हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी ने भी दुखड़ा पेश किया दोनों सिहाबी मेरे आका दी बारगाह ते बैठे ने
रब्बे जुल जलाल ने जिब्राइल नु हुक्म दिता, जिब्राइल जी रब्बे जलील हुक्म में फरमाया जा मेरे यार दी बारगाह अंदर चला जाओ ते मेरे हबीब नु कह दे अपने गुलाम दे आंसू रहमत दे रुमाल ना साफ कर देवो, इन्हां नु खुशखबरी सुना देवो। या रब्बे जुल जलाल की पैगाम है पंजवा पारा अल्लाह दा कुरान आ गया व मैं युति والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين। अल्लाह ताला ने पैगाम दिता ए हबीब जड़ी आखे लग गया अल्लाह दे आखे लग गया कि अल्लाह दे रसूल दी आतात कर ले जो कल कयामत दा दिन होएगा असी इन्हां दा हशर अल्लाह दे नबिया नाल करांगे सिद्दीकीन नाल करांगे सालहीन दे नाल करांगे शहीदां दे नाल करांगे। मेरे दोस्तो जनाब अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस नूं रवायत फरमान वाले फरमांदे ने सब तो ज्यादा खुशी सानू उस वेले गई जो असा कलमा पढ़िया सी, दूसरी खुशी उस वेले गई जो आका दी जुबान तो सुन लिया कि जन्नत के अंदर हुजूर की रिफाकत मिल जाएगी आका दा साथ मिल जाएगा आका दा आसरा मिल जाएगा। ते सिहाबी खुश होंदे ने नाल कहंदे ने सदा वसीदा रवे तेरा दवारा या रसूल जिथे होता गरीबादा गुजारा या रसूल अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुसलमान भाइयो मेरे करीमा का दी मुहम्मद मोहब्बत ईमान दी बुनियाद ईमान दी असल ताई ते मेरे करीमा का ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व बलदिही व नास अजमाइन। हमारे लोगो सुन लो तुहाडे विचों नी देर तक कोई मोमन हो ही नहीं सकदा जिन्नी देर तक अपने माल औलाद वालदैन व नास अजमाइन तो के हर चीज तो ज्यादा मेरे नाल प्यार ना करे मेरे नाल मुहब्बत ना करे वो बेलिया बंड ऐसा करनी है। आज हर बंदा अकलमंद ते समझदार है वो समझदा है एक पासे औलाद होवे एक पासे बच्चे होवन रिश्तेदार होवन बिरादरी होवे एक पासे तलक तो रिश्ते होवन ते एक पासे अल्लाह दे नबी दी जात होवे ते फिर असा रिश्तेदारियां नहीं वेखनिया अपनी औलादा वल भी नहीं वेखना रिश्तेदारियां भी नहीं वेखना बल्कि अल्लाह दे रसूल दी तरफ जाना है हुजूर दी गुलामी नूं इख्तियार करना है। मैं मिसाल पेश करा मेरे आका दे सहाबा ने मिसालां पेश कीतियां ओ खुदा दी इज्जत दी कसम है अज 1450 साल गुजर गया उन्हां लोकां दे नाम जिंदा उन्हां दे किरदार जिंदा। अज मैं तू दुनिया तो साडे सी चले जाए एक साल दो साल को याद कर दे बाद चो लोग कब्रां दे निशान भी भुल जांदे ने लेकिन खुदा दी इज्जत दी कसम है इन्हें मुस्तफा नाल वफा की कमली वाले नाल वफा की कयामत दी सवेर तक उन्हां दे नाम जिंदा उता बिंदा ने। एक बीबी है एदा बेटा भी मैदान जंग अंदर एदा खामत भी मैदान जंग अंदर एदा खामत भी मैदान जंग अंदर भाई भी मैदान जंग अंदर बाप भी मैदान जंग अंदर चार फर्द मैदान जंग ते भेजी खली है। एक तो पता चल गया एक अफवाह फैल गई नाउज बिल्ला हुजूर नु जालिमा ने कत्ल कर छोड़िया है ए जंगे ओहद दा गाल बनवा के ते जिस वक्त एस बी पी नु खबर मिली ते दौड़दियां जा रहियां ने रस्ते ते जांदियां 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 एक मजमा नजर आया ते पता चलिया पुछिया कादा मजमा है किसे कहया बीबी कोई और नहीं तेरे बाप दा लाशा पिया होया है तेरा बाप जा में शहादत नोश कर गया है। अम्मा ने ओते सरदा भरी है ते आसमान मल निगाह चुक के कहंदी है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊ
ते एक उथे रुकी नहीं बल्कि कदम अगे पड़ा लिया ते कहंदी है बाप दी खैर दसो मेरे आका दा की मेरे आका दा की हाल है मेरे आका दा की हाल है चलदिया चलदिया गए फिर मजमा नजर आया ते पता चलिया पुछिया कादा मजमा है क्या बीबी कोई और नहीं ओ तेरा भाई जा मैं शहादत नोच कर गया ते इस बहन ने भाई दी शहादत दी खबर सुन के सरद आह भरी ते कहंदी है असी अल्लाह दे हां अल्लाह दी तरफ लौट के जाना है ओ भाई दी भी खैर है दसो मेरे आका दा की हाल है दसो मेरे आका दा की हाल है ओ मैं पहले कह रहा हूं कि हर चीज तो ज्यादा अल्लाह दे नबी नाल प्यार करना है अल्लाह दे हबीब नाल मोहब्बत करनी है मेरा दोस्त तो जल्दियां चल रहा अगे फिर मजमा नजर आया पता चलिया ए कौन है ते खबर मिली एथे तेरे बेटा ए तेरा बेटा जवान ए तेरे बढ़ापे दा सहारा ओदा लाशा पिया होया है ते बच्चे दी जदो शहादत दी खबर सुनी ते अम्मा ने फिर आह भरी है ते फिर ओ शुक्र वाले कलमे पढ़े ने ते अगे चल के कहंदी है बेटे दी खैर दसो जहरा दे बाबा दा की हाल है बेटे दी खैर दसो जहरा ते बाबा दा की हाल है आमना दे लाल दा की हाल है अल्लाह उपर कबीरा ओ मुसलमानो ओना दा कलमा मी ए सी जड़ा मैं तू पढ़ने आ ए कुरान सी जड़ा मैं तू पढ़ने आ लेकिन वेखना ईमान कैसा है वेखना मुहब्बत कैसी है वेखना मुहब्बत दा मयार की है भाई दी शहादत दी खबर सुनिए नहीं खलोती बेटे दी शहादत दी खबर सुनिए नहीं खलोती बाप शहादत की खबर सुनिए नहीं खलोती चलदिया चलदिया एक जगह फिर पता चलिया मजमा पूछिया कौन है ते पता चलिया तेरे खामद दा लाशा है तेरा खामद भी जामे शहादत नोश कर गया है ते तेरा खामद शहीद हो गया है ते सरदाह भरी है ओ जिदी खातर बाबल नगर छड़िया सी जिदी खातर घर दियां रानाइयां छड़ के जिदे सहारे दे अंदर जिंदगी दे शबरोध गुजार रही सी जदों खामद दा सुनिया ना ते इस माई ने ठंडी आह भरी है इस अम्मा ने ठंडी आह भरी है ते रो के फिर शुक्र वाले जुमले पढ़दी है ते कहंदी ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਲੌਟ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਖਾਮਦ ਦੀ ਵੀ ਖੈਰ ਏ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਏ दसो मेरे आका दा की हाल है जहरा ते बाबा दा की गाल मेरे लजपाल नबी दा की हाल हदीस ते लफ्ज़ ने सदक चलदियां 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 मेरे आका नु वेखिया उंजुर इलई मेरे आका नु वेखदियां ते मेरे आका नु वेख के ते अम्मा कहंदी है सोनिया ऐ वदुहा दे मुखड़े वालिया बल्ले दियां जुल्फां वालिया अलम नशरा दे सीने वाले आका तुसा सलामत मेरा सब कुछ सलामत आका तुसा सलामत हो मेरा सब कुछ सलामत है ओ चार लाशा सामने पईयां होईयां ते अम्मा कहंदी की है मेरे आला हजरत ने नक्शा खिचिया ते कहंदी की है करूं तेरे नाम पे जान फिदा ये इक जानगी दो जगह फिदा ओ या रसूल अल्लाह दो जगह से भी नगी जी बना ओ मिलके कह लो यार सारे मजा आ जाए दो जगह से भी नगी जी बना करूं क्या करोड़ों जगह हर चीज तो ज्यादा मेरे आका नाल प्यार करना है मेरे आका नाल मोहब्बत करनी है इस जिंदगी हुजूर दी गुलामी दा नाम है इस जिंदगी हुजूर दे कदमा तो मर मिटन दा नाम है इस जिंदगी हुजूर दियां अदावां उत्ते अपनी जिंदगी अपना मेरे करीमा का दो गुलाम ने रवायत नु मैं फजाइल माल अंदर पढ़िया आहले देवबंदी किताब जड़ी मशहूर मरूफ है फजाइल अमाल अंदर मौलाना ज़करिया साहब दी किताब जड़ी लिखी है उस दिन मैं रवायत में पढ़िया मेरे आका दे दो गुलाम ने हजरत अब्दुल्ला बिन जहश
और साथ भी नबी वकास। दो गुलाम ने नौजवानों जवानी चौकत खलों दा नाम नहीं है, इंटरनेट चला देना और रातां नूं कन्ना ते हैंड फ्री ला के बसर कर देना और चौकिया चुराहे ते अंदर अपनी जवानी नूं गुजार देने दा नाम जवानी नहीं। जवानी मेरे आका दी गुलामी दा नाम है, मेरे आका दियां अदामां ते मर मिटण दा नाम जवानी है। कड़ियल जवान ने दो भाई अब्दुल्ला बिन जहश और हजरत साद बिन अबी वकास। साद बिन अबी वकास और हजरत अब्दुल्ला बिन जहश यारी बड़ी है, याराना बड़ा है। ते दोनों बैठे रात का वेला, सुबह जंग ते सी, जंग ते सुबह दाखिल होने सी, साहब ने सवेरे जंग होनी सी। ते अब्दुल्ला बिन जहश कहते ने साद बिन अबी वकास नु, कहते ने यार मैं रसूल करीम को सुनया सी, सरकार फरमाते ने कि मैदान जंग ते उतरन तो पहले जड़ी दुआ करो अल्लाह कबूल फरमा लैंदा है, जड़ी दुआ करो अल्लाह कबूल फरमा लैंदा है कि यार कल अल्लाह ताला शहादत दी मौत दवे ते कल असा जाना है मैदान कारसाज ते उतरना है। ते मैं दुआ करना, अब्दुल्ला बिन जहश कह लगे कि साथ तू आमीन कहना है, तू दुआ कर ते मैं आमीन कहना हूं। मैं दुआ सुनानी है थानू। हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपने दुआ की थी दो नफल पढ़े, नफल पढ़न तो बाद आपने दुआ की थी मौला ऐ परवरदिगार आलम कल मैं मैदान जंग ते जावा, एक बड़े काफर ना मेरा मुकाबला होवे, मैं ओदे नाल लड़ा ओ मेरे नाल लड़े, लड़दियां 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 मैं उसनू वास्ते जहन्नम कर देवा, ओनू कतल कर देवा, ओते कतल करन तो बाद ओदी सवारी से कब्जा करा, ओदी जीरा ते कब्जा करा, ओदी तलवार ते कब्जा करा, ते अपने साथियों के अंदर आवा ते गाजी दल कपावा। ते जनाबे अब्दुल्ला बिन जहाज कहते ने आमीन, ते अब्दुल्ला बिन जहाज कहते ने यार रा और मैं दुआ करना वा तू आमीन कह दे। आपने दो नफल पढ़े ते नफल पढ़न तो बाद दुआ की, कहते ने मेरे मालिको मौला ऐ मेरे परवरदिगार आलम कल मैं मैदान जंग ते जावा, एक काफर ना मेरा मुकाबला होवे, मैं ओदे नाल लड़ा ओ मेरे नाल लड़े। ओ नौजवाना दवा दे अगले जुमले सुनने सिर्फ नहीं, ओ दिल दी तख्ती ते लिखने ने, ए दिल दी तख्ती ते लिखने ने के जिंदगी की दा नाम है। ए सिहाबी कहदा मौला जी तो कल मैदान जंग ते जावा, एक काफर ना मेरा मुकाबला होवे, मैं ओदे नाल लड़ा ओ मेरे नाल लड़े, लड़दियां 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 मैनू ओ शहीद कर देवे, फिर बस ना करे मेरे हाथ कट लवे, मेरे पैर कट लवे, मेरे कन कट लवे, मेरे मौला मेरिया अखां कट लवे, कल कयामत दा दिन होवे मेरे मौला मैं तेरी बारगाह अंदर आवा, ना मेरे हाथों वल ना मेरे पैरों वल ना मेरिया बावां गोवल मौला ना मेरी अक्खां गोवल। ते तू सब कुछ जान दिया होया पुछे ओ अब्दुल्ला ओ दस अक्खां कित्थे छड़ियां नी, अब्दुल्ला दस पैर कित्थे छड़े नी, अब्दुल्ला दस हाथ कित्थे छड़े नी, अब्दुल्ला दस पैर ते जिस्म दे ऐज़ा कित्थे छड़े नी। या अल्लाह उस वक्त मैं कहूं मौला वफी हुब्बी का वफी हुब्बी रसूल का, या अल्लाह तेरे नाम तो दे आया मां, तेरे यार दे नाम तो दे आया मां। ते ताए ते मेरे दोस्त आदम चिश्ती बोलिया कहते एक बारी जे महबूब बुलावे ते असा सिर नू पैर बना, ये ते सर मंगे ते सर दे दईए ते असा कदे भी देर ना ला, ये ते कदे भी यार दा
गिला न करिए चाहे सैक देगी मरे जा ये ते आजमिया हरी न लाए तेजे लाए ते तोड़ लिबा। दोस्तों महबूब होइए जरा महबूब की ताइद करे महबूब की अतात करे। सरकार का फरमान है नमाज मेरी अखा की ठंडक है। जरा बंदा सरकार की अखा ठंडक पहुँचाना चाहता है अब वादा करे इंशाला नमाज नहीं छड़नी, इंशाला नमाज नहीं छड़नी। और जिन्हों के माँ बाप नाराज ने अपने माँ बाप ने बनाओ खुदा की इज्जत की कसम है अल्लाह के हबीब फरमाते हैं रदिया रब्बी फी रदी अल वालिदी सख्तल रब्बी फी सख्तल वालिदी। जिहड़ा बंदा चाहता है कि दुनिया से उसका रब राजी हो जाए पहले माँ प्यो नूं राजी करे। याद रखो जिनी देर तक माँ बाप राजी ना होए कोई इबादत कोई योदा दुनिया का या मजहब का वह बंदे नूं बचा नहीं सकेगा। इस वास्ते दुनिया अंदर और आखरत अंदर कामयाबी चाहते हो तो माँ बाप नूं राजी करो। मेरे करीमा का ने इरशाद फरमाया जिस बंदे ने शराब का एक घुट पीता फरमाया 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं, ओदी नमाज कबूल नहीं। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया जेड़ा बंदा सूद का 1 रुपया खाएगा मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया वो इंजे जिस तरह 17 मरतबा एक रवायत अंदर 27 मरतबा अपनी सगी माँ नाल जिना करे। मेरे दोस्तों मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते ने जेड़ा बंदा कुरान की तिलावत कर दे एक कयामत वाले दिन कुरान ओदे वास्ते शफी भी होएगा ओदी सिफारिश भी करेगा उन्हें जंती जोड़ा भी लैके देगा और उन्हें जन्नत ते पहुँचा के तो फिर रब दी बारगाह तो वापस आएगा। इस वास्ते इस मस्जिद बड़ी प्यारी मस्जिद है इस मस्जिद नू आबाद करो अपने बच्चों नू इस मस्जिद अंदर भेजो और इस कुरान की तालीम नू आम करो। किसी नू वकील बनाओगे तो नू कचहरियाँ और दुनिया की लड़ाइया तो बचाएगा। किसी नू तुसी पुलिस का ओहदा लैके दोगे तो अनु दुनिया के उत्ते कुछ कितने ना कितने को थोड़ी इज्जत मिल जाएगी। लेकिन याद रख अगर किसी नु हाफिज़े कुरान बनाओगे किसी नु कुरान दा कारी या दीन दा आलिम बनाओगे खुदा दी इज्जत की कसम है दुनिया अंदर भी इज्जत पाओगे कबर अंदर भी इज्जत पाओगे और हशर विच भी इज्जत पाओगे। चंगे नाल ते हर कोई करे चंगा भला बुरे दा करें ते तां जाना तेरा कले दा तरना बहादरी नहीं लैके डुबे नु तरें ते तां जाना यार जिंदा सोबत बाकी वार खुदावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह मैं थोड़े सामने हाजी साहब हाजी मोहम्मद।